Hello children, in this video we are going to learn the application of linear equations. So in the previous videos we learned how to solve linear equations, and so far you would have learned how to solve linear equations. Now we'll see how to apply linear equations in statement problems, in word problems, which actually are real life. We are surrounded by real life situations. First application of linear equations that we will be doing is on numbers. So all the questions, all the word problems on numbers, we will be solving in the with the help of linear equations. Now this is the first series of the application of linear equations, where we will be only concentrating on the application of linear equations to number based word problems. Jin word problems mein numbers find karne ko kaha jata hai, waise wale questions mein, those word problems or statement problems, we will be applying the linear equations. So application ka matlab kya hota hai? Aapne linear equations का क्या मतलब होता है? यू हैव लर्नड व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस, यू नो हाउ टू सॉल्व देम आल्सो, बट हाउ टू अप्लाई देम, कहाँ एप्लीकेशन होता है उसका, हमने सीखा, पर एप्लीकेशन कहाँ होता है? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द लीनियर इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर यूज टू फाइंड द अननोन थिंग्स. अननोन थिंग्स फाइंड करने के लिए कई बार नंबर्स में से एक नंबर नहीं दिया है, उनका सम दिया है और एक दो नंबर्स के बीच में रिलेशन दिया है, या तो एक नंबर के साथ दूसरे नंबर का प्रोडक्ट निकाल के उस प्रोडक्ट दिया हुआ है और एक नंबर दो नंबर्स में कोई रिलेशन दिया है, फिर नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, या आपको कुछ नंबर्स का कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो नंबर आते हैं उनका सम दिया है, तो वो नंबर्स आपको फाइंड करने को बोला कि वो नंबर्स क्या हैं. तो ऐसे बहुत से नंबर्स बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस वीडियो. So let's apply the linear equations to solve the word problems. इसके लिए पहले word problem को, या word problem को हम statement problem भी बोलते हैं, क्योंकि जो word problem होता है, word problem का मतलब क्या है कि आपको जो problem दिया है वो आपको English में दिया हुआ है, statement दी हुई है English में, उसे आपको convert करना है mathematical form में. Mathematical form मतलब linear equation बनाना है, linear equation में transform करना है, फिर उसको हम solve करेंगे with the methods that we know of. We know how to solve the linear equations. We'll use the methods of solving linear equations afterwards. First job is to read the word problem and make the linear equation out of it. So let's take a one question based on the application of linear problems to the number based word problems. The problems which revolve around numbers. So इस सीरीज में पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, दो नंबर्स का सम मान लेते हैं दिया हुआ है हमें. सम ऑफ टू नंबर्स इज गिवन एज 45 एंड लेट्स से वन ऑफ द नंबर हमें दिया हुआ, इफ वन ऑफ द नंबर इज मोर देन द अदर नंबर बाय लेट्स से 15. Find the other number. So in your textbook you will find one or two questions from example and exercise of this nature. तो आपको missing number find the other number, both the numbers you have to find here. दो numbers का total दिया हुआ है 45 and numbers के बीच में relation दिया है, one of the number is more than the other number by 15. तो हमें ये रिलेशन नंबर्स के बीच में पता है कि एक नंबर दूसरे नंबर से 15 उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो हमें जो नंबर्स फाइंड करने को पूछा गया है. तो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम शुरू कैसे करते हैं? पहला स्टेप क्या होता है, जो भी आपको फाइंड करना है, वॉट एवर यू हैव टू फाइंड आउट, तो सोल्यूशन कैसे शुरू होगा हमारा, वॉट एवर वी हैव टू फाइंड आउट उसे हम अज्यूम कर लेंगे कोई भी वेरिएबल. वेरिएबल जानते हैं अलजेब्रा मैथमेटिक्स में भी, हमें लीनियर इक्वेशन में भी कहा, जो अननोन फाइंड करते हैं हमें लेटर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, दैट इज व्हाट वेरिएबल इज इन अलजेब्रा. सो लेट द नंबर्स बी टेकन एज सम वेरिएबल्स. सो फाइंड द नंबर, लेट द नंबर्स बी एक्स, एक नंबर मैंने एक्स ले लिया, और द टू नंबर आई टेकन वन नंबर टू बी दिस एक्स. और वेरिएबल आपने चॉइस से कोई भी वेरिएबल अल्फाबेट ले सकते हैं, एक्स वाई टी जेड, वो चॉइस आपकी है, इससे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि आपने कौन सा अल्फाबेट यूज़ किया है. अल्फाबेट तो खाली हम ये डिनोट करने के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अननोन को जो हमें फाइंड करना है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, सो दैट इट्स ईजी टू
फॉर्म द इक्वेशन, इजी टू स्पीक इट ऑफ मैथमेटिकली, क्योंकि अभी तक जो स्टेटमेंट चल रहा है वो इंग्लिश में चल रहा है, मैथमेटिकल में चेंज नहीं हुआ. जब तक वो मैथमेटिकल में चेंज नहीं होगा ये स्टेटमेंट, मतलब लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी, तब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे एंड फाइंड नहीं कर पाएंगे. तो ये खाली अननोन है, कोई भी वेरिएबल, कोई भी लेटर आप अपनी चॉइस का यूज कर सकते हैं. लेट द नंबर्स बी एक्स, सो अदर नंबर क्या होगा, रिलेशन दिए दोनों नंबर्स में, अगर एक एक्स है तो दूसरा नंबर क्या है, 15 मोर देन दैट, तो अदर नंबर विल बी 15 प्लस एक्स. आप 15 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज एक्स प्लस 15, एक ही बात है. लेट द नंबर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस 15, बिकॉज एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो 15 प्लस एक्स लिखो या एक्स प्लस 15. तो द अदर नंबर इज वन ऑफ द नंबर, हमें देखा इनमें से एक नंबर 15 मोर देन द अदर है, दैट्स वाई वी टुक द अदर नंबर टू बी 15 मोर देन द फर्स्ट नंबर. तो ये दोनों अननोन्स हमें नंबर्स फाइंड करने हैं, इनका सम दिया हुआ है, तो इन दोनों को हम ऐड करके इक्वेट कर देंगे टू 45. तो इक्वेशन सिंपल है बनानी इस क्वेश्चन में. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज गिवन एज 45. इक्वेशन बन गई, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड इक्वेशन. बस इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल, वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल. तो x प्लस एक्स लाइक टर्म्स हैं, सॉल्व कर लीजिए, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 45. अब आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है, लाइक टर्म्स को एक साइड में ले जाते हैं, ये 15 कॉन्स्टेंट है अपनी साइड, इट विल लीव द लेफ्ट हैंड साइड, गो टू द राइट हैंड साइड, इट विल चेंज इट्स साइन. तो प्लस 15 से वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस 15. 2x will remain on the left side. 15 changes the sign because it is shifting its place. Any number or variable, if it changes its place in the equation from one side to the other, then its sign gets reversed. ये ध्यान देना आपने. तो 45 ने अपनी साइन नहीं चेंज की, इसलिए 45 का साइन as it is a plus है. कोई साइन नहीं है नंबर के आगे, क्या होता है, पॉजिटिव. तो 45 पॉजिटिव है, सॉल्व कर लीजिए अब, जस्ट सॉल्व इट. What is 45 minus 15? You know it. So 2x is equal to kitna aa gaya iske baad 30. So what do we get? The value of x as 30 upon 2. 2x matlab twice of x agar 30 hai to x kya hoga? Ab table mein to aap mentally bhi kar sakte hain, kisi number ka twice agar 30 hai 2 ke table mein, ya kab 2 times what is 30, kuch bacche to orally kar lenge 2 into 15 is 30, but agar मैथमेटिकली करना है तो 2 को आप राइट में शिफ्ट कर लीजिए तो वो अपॉन 2 हो जाएगा. या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हमें 2 है, वी हैव टू रिमूव 2 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, सो वी डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ द साइड्स. तो x की वैल्यू क्या हो गई, डिवाइड बाय 2 करा ना, तो 2x बाय 2 तो हट जाता है ना, वो तो आप मेंटली लिखते हैं, उसको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं. डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ द साइड्स, सो लेफ्ट हैंड साइड में x ही रह जाएगा. 30 अपॉन 2 कितना हो गया, 15. So one of the numbers, x आ गया हमारा x की value. So the numbers, one of the numbers is x which is 15 and the other number is 15 plus 15, 30. So the answer is, the numbers are 15, the required numbers are 15 and 30. See, बहुत सिंपल था, सम 45 है, वन नंबर इज मोर देन द अदर बाय 15, पूरा क्राइटेरिया सारे मीट कर रहा है, दोनों नंबर टोटल, दोनों नंबर से टोटल 45 है और एक नंबर दूसरे 15 मोर देन 15 है. कुछ आपकी बुक में, एनसीईआरटी में, टेक्स्ट बुक में कई बार इस मोर देन की जगह पर लिखा है एक्सीड्स, तो ये वर्ड भी, इस वर्ड का मीनिंग भी यही होता है, वन ऑफ द नंबर एक्सीड्स द अदर नंबर. तो एक्सीड का मतलब क्या होता है, मोर देन. तो अगर टेक्स्ट बुक में आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर एक्सीड वर्ड आ रहा है, इज कमिंग इन द एक्सरसाइज, एक्सीड का मतलब यही होता है मोर देन. सो ये क्वेश्चन एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था नंबर पे वर्ड प्रॉब्लम्स में. लेट्स टेक अ वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल ऊपर कर लेते हैं. अब हम फैक्ट, मतलब रैशनल नंबर्स टाइप के क्वेश्चन पे जाते हैं. इट्स ऑल्सो वेरी ईजी, ओनली थिंग कैलकुलेशन थोड़ा सा हमें, बिकॉज अर्लियर वन द प्रीवियस वन द कैलकुलेशन वॉज रियली वेरी ईजी. सो अब एक क्वेश्चन करते हैं, टू इज बेस्ड ऑन द वर्ड प्रॉब्लम्स, on the rational numbers. What should be added to thrice ka matlab jante hain, twice matlab two times, thrice matlab three times, thrice matlab three times, jaise twice matlab two times, so three times is what is called thrice. So what should be added to thrice the rational number? We have a rational number, thrice the rational number 4 by 3, let's say,
अभी मैं अपने आप बना रही हूँ ऐसे ही क्वेश्चन -4/3, तो टेक्स्ट बुक में ऐसे ही क्वेश्चन होगा, आप ट्राई करना. व्हाट शुड बी एडेड टू थ्राइस द रैशनल नंबर -4/3 टू गेट, लेट्स से कुछ भी मैंने अज्यूम कर लिया 14/3. तो ये तो मैंने आपको क्वेश्चन बना के दिया है, आपको जो निकालना है क्या निकालना है, जो निकालना है हमेशा उसे एक वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे. सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करनी है, वॉट एवर वी हैव टू फाइंड आउट विल अज्यूम इट टू बी अ वेरिएबल. तो यहाँ पे मैं फाइंड करना है एक नंबर, व्हाट शुड वी ऐड टू दिस थ्री टाइम्स और थ्राइस द रैशनल नंबर, दिस रैशनल नंबर. यू अंडरस्टैंड द रैशनल नंबर, यू हैव डन इट इन द फर्स्ट चैप्टर, पी बाई क्यू फॉर्म, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर क्यू इज नॉन जीरो. तो ये होगा रैशनल नंबर दिया हुआ है हमें, इसमें हम क्या ऐड करें, व्हाट शुड बी ऐड टू थ्राइस दिस रैशनल नंबर, मतलब क्या ऐड करें टू थ्री टाइम्स दिस नंबर सो दैट वी गेट 14/3. तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, थोड़ा समझ के करेंगे, बहुत इजी है. लेट द नंबर दैट वी हैव टू फाइंड, व्हाट शुड बी ऐड, मतलब जो हमें फाइंड करना है, इसे अज्यूम कर लेते हैं कोई वेरिएबल. अब इस टाइम में थोड़ा अल्फाबेट चेंज कर लेते हैं, फॉर अ चेंज वाई ले लेते हैं. लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, लेट, आपकी मर्जी है आप कोई भी लेटर यूज करें, कंसेप्ट ऑफ फॉर्मिंग द इक्वेशन सही होना चाहिए. लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी वाई, रिक्वायर्ड नंबर मतलब जिसे हमें फाइंड करना है, हमने उसे वाई अज्यूम कर लिया. अब इस वाई को हमें ऐड करना है टू थ्राइस दिस रैशनल नंबर, सो दैट टू गेट व्हाट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू गेट दिस, मतलब जो रिजल्ट आना चाहिए वो इतना आना चाहिए, मतलब इक्वल टू इसके आना चाहिए. तो y हमने माना, लेट्स से y बी द नंबर विच इज एडेड टू, सी स्लोली कन्वर्ट करिए टू द एल्जेब्रिक फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म. तो ये नंबर हमने y माना, y में व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, थ्राइस किसमें है, y में क्या ऐड करना है, थ्राइस दिस रैशनल नंबर, थ्राइस मीन्स थ्री टाइम्स दिस रैशनल नंबर, गिवन रैशनल नंबर. टू गेट का मतलब यहाँ पे क्या है, सो दैट द रिजल्ट इज इक्वल टू 14/3. तो ये जो आपने यहाँ तक अगर इस काम से, इफ यू हैव डन दिस स्टेप करेक्टली, इफ यू फॉर्म द इक्वेशन करेक्टली, हाफ ऑफ योर जॉब इज डन. सो टू कन्वर्ट अ वर्ड प्रॉब्लम टू एन इक्वेशन और टू अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इट्स अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, अ लीनियर इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी. तो अगर आपने वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है, तो उसके बाद मतलब आपका आधा काम तो हो गया, मतलब आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आगे सॉल्व करने में. लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी वाई, तो वाई में हमने ऐड करना है थ्री टाइम्स दिस नंबर टू गेट, टू गेट मीन्स टू गेट मीन्स इक्वल टू 14/3 के आना चाहिए आंसर. तो वाई की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके, बहुत सिंपल है, थ्री इंटू, ये तो कैंसिल हो गया, थ्री न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट, -4 is left, so y -4 is equal to 14/3. Now you know how to find out the value of y. -4 ka side change karna padega, -4 will have to be shifted to the right hand side. To -4 ko transpose kar dete right hand side mein. So what do we get? Let's have the question. Y is equal to -4 shifted to the right side. Okay, मैंने क्या गलती की, -4 को मैंने राइट में शिफ्ट किया, -4 का साइन चेंज करना पड़ेगा ना, बिकॉज साइड चेंज हो रही है, क्योंकि -4 अब इक्वल टू के राइट में आ गया, तो उसकी उसका साइन चेंज होना चाहिए, -4 विल बिकम +4. +14/3 का साइन चेंज नहीं होना चाहिए, बिकॉज 14/3 इज ऑन द राइट साइड ऑलरेडी, इट इज नॉट चेंजिंग इस साइड, इट्स नॉट चेंजिंग इज साइड, तो 14/3 का साइन एज इट इज रहेगा. अब कुछ बच्चे बोलेंगे 4 को हम शुरू में क्यों लिख रहे हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, yes, आप चाहो तो +4 को यहाँ लिखो बाद में, यू कैन राइट इट afterwards, बिकॉज एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो वी कैन राइट एडिशन इन एनी ऑर्डर, सो नो प्रॉब्लम, आप 4+ पहले लिखिए या 4+ बाद में लिखिए, मीनिंग इज सेम. सो y इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें सॉल्व करना है, दो रैशनल नंबर्स कैसे ऐड करते हैं, पहले हमने सिखा हुआ है, इसे फ्रैक्शंस कैसे ऐड करते हैं, वही कंसेप्ट है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना चाहिए ऐड करने से पहले. तो 1 और 3 का LCM हम ले लेते हैं, 1 और 3 का LCM क्या हुआ, 3 हुआ, बहुत ईजी है. तो फर्स्ट रैशनल नंबर को हम विद डिनोमिनेटर 3 के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं. 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को अटेन करने के लिए 3, तो जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया नंबर, वही नंबर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. तो ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 4 3s आर, वी गॉट 12 +14. सो व्हाट हैव वी गॉट द वैल्यू ऑफ y एज,
we've got the value of y as 12 plus 14 over 3, which is 26 over 3. So y is 26 upon 3. We've got the value of the unknown. Remember, hum yahi find karna tha. The required number is 26 by 3. You want, you can check your answer. What was the question? What should you add to thrice this rational number? To get 14 by 3, huh? To check kar lete hain, ye check karne ka kaam na, it's for your self-satisfaction. Karna hai to apne self-satisfaction ke liye. So let's check our answer. This answer is right or not. Because humara answer required number, to before we write required number is this, let's confirm. So what should we add? So humara answer to 26 by 3 aa raha hai. So let's see 26 by 3 added to thrice this number. Is it giving us 14 by 3? Check. 26 upon 3 minus 4, 3, 3 cancel kar diya humne. Ab LCM lijiye, denominator mein LCM liya 3 aaya, numerator mein 26 minus 12. To calculation mistake nahi hai, pata chal jayega abhi. Agar answer sahi aa raha hai, yes, we are getting the result as 14 by 3. That means the required number is surely 26 upon 3. That's how we did up. Did one more question of linear application of linear equations on numbers. So all the questions lete hain in your textbook examples exercise 2.2 it is 2.2 mein aapko bahut sare word problems milenge numbers pe. So let's pick up some questions of these numbers from your book. So ek question hum kar lete hain. First question hai exercise 2.2 ka. It says if you subtract, so let's note down, if you subtract, पहले तो number problem को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए. If you subtract half from a number, अगर आप किसी number से half subtract करते हैं, and then you multiply, procedure ना step by step जाइए. If you subtract half from a number, first thing, and then क्या करना है multiply the second thing क्या बोल रहा है multiply the result that you get by half. Understand the question step by step, understand the question word to word. If you subtract half from a number, the pehla information ye hai, and then multiply the result by half, you get 1 upon 8. What is the number? So, ye 2.2 exercise ka pehla question hai. To agar aap isse solve karte hain, let's uske equation pehle banani padegi, understand the question, jo find karna hai usko variable assume kar lenge. Let this number be the number that we have to find, let the required number be a variable of your choice. I take it z this time. Chale ab equation ki banane ke liye kya information di hai, you subtract half from this number. Okay, is number mein se half minus karte hain, ya half minus from the number, हमने क्या किया? Subtract किया half. पहली information ये दी है. उसके बाद क्या करना है? Secondly, we have to multiply the result. जो हमें result मिला है ना, subtract करने के बाद, इस result को multiply करना है, multiply करना है. तो मैंने पूरा ये पूरा result multiply करना, तो मैंने bracket में enclose कर दिया. The whole of this result, उसका result आएगा, उसको multiply करना है half से. What do we get? Let me say, what do you get? मतलब equal to क्या आ रहा है? We get, you get what? 1 by 8. तो ये equation में convert हो गया word problem. So the equation or the mathematical statement is z minus half after subtracting half from the required number and then multiplying the result by half, that's what is given in the question, we are getting equal to, we are getting equal to मतलब half 1 by 8. अब इस equation को solve करिए, z निकाल लीजिए and your answer is over. Equation solve करने का concept क्या है जो हमने किया हुआ last previous videos में, ब्रैकेट के बाहर हाफ है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हुई है आपने, यू विल मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स और द वेरिएबल और द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट बाय हाफ. पहले हाफ इनटू जेड, देन हाफ इनटू माइनस हाफ. मल्टीप्लाई करना आता है ऐसे फ्रैक्शन में क्या, 1 1 1 2 2 4 करेक्ट. सो आफ्टर सॉल्विंग द ब्रैकेट और ओपनिंग द ब्रैकेट यू गेट 1 बाय 2 इनटू जेड माइनस 1 बाय 2 इनटू 1 बाय 2 1 बाय 4 equal to 1 by 8. Next क्या step है, z वाला term अलग रखना है, जो भी term में z नहीं है, the terms which are constant, constant का मतलब जिसमें variable नहीं है, we'll transpose it to the other side, इसे minus 1 by 4, it's a constant, we bring it on the other side,
साइन चेंज करेगा तो आपको पता है क्या करना है, साइन को रिवर्स करना है. तो माइनस वन बाई फोर विल चेंज इज साइड, साइन विल गेट रिवर्स्ड, लेट्स रिवर्स द साइन. साइन तो वन बाई टू जेड एज अकेले रख देते हैं, माइनस वन बाई फोर को लेके जाते हैं राइट में, इसे बोलते हैं ट्रांसपोजिंग. Transposing minus 1 by 4 on the right side, so sine of 1 minus 1 by 4 has become plus 1 by 4. 1 by 8 ka sine as it is rahega, kyunki usne change, so 1 by 8 has not changed the side. The sine will remain as it is, half z. To add rational numbers, LCM lena padega, denominator same karna padega. 4 aur 8 ka LCM kitna hua? Least common multiple 8 hua. What would we multiply in 4 to get 8? Because we have to write an equivalent fraction of 1 by 4 having denominator 8. The 4 2s are 8. The numerator may be 2 se multiply kar do. The 2 plus 1. So what do we get? 1 by 2z equal to 3 upon 8. Okay, next step, z find karna hai. Many of the students are doing mistakes while calculating this kind of this. टाइप ऑफ दिस स्टेज ऑफ इक्वेशन पे गलती कर देते हैं. जो z के साथ जो वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है ना, उसको अगर रिमूव करना है तो क्या कर रहा है हमें, डिवाइड बाय. इसे कैसे रिमूव करेंगे? बाय डिवाइडिंग बाय हाफ ऑन बोथ द साइड. अगर आप हाफ से डिवाइड करेंगे तो ये हाफ कैंसिल हो जाएगा ना. या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हाफ टाइम्स z है तो राइट में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय हाफ हो जाएगा. व्हिचएवर वे यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्वड इज you have to remove this half with z. तो इस half of z को कैसे remove करेंगे? By dividing by half on both the sides. दोनों side हम half से divide करेंगे. ये हुआ का mentally कर लीजिए. आपने यहाँ से half से divide किया तो half तो कट जाएगा. z will be left alone. Right में 3 by 8 divide by half. How do you divide fractions? Similarly, how you divide the rational numbers? तो कैसे divide करते हैं? To divide a rational number by another rational number, we multiply the first rational number with the reciprocal of. Reciprocal क्या होता है? Remember in chapter 1 we have done reciprocal, मतलब जब denominator और numerator एक दूसरे को interchange हो जाते हैं तो क्या मिलता है हमें, reciprocal. तो half का reciprocal क्या हुआ? 2. 2 numerator में आ गया, 1 denominator में चला गया. That is a reciprocal. तो ये division का procedure है. Division of two rational numbers or fractions is done like this. Divide the first fraction, multiply the first fraction by the reciprocal of the second. तो ये आपका result कितना हो जाता है? Let's see what do we get. Z equal to 2 cancel कर सकता है. 2 के table में 8 आता है, तो 2 4s are 8. So we get the value of Z or the required number is 3 by 4. Likewise, you can try more questions on numbers. Let's take a different question on numbers. This time from again from your textbook. This is on consecutive. What is the meaning of consecutive? This word consecutive, aapne pehle suna hoga. You must have heard this word consecutive in 7th standard also. The meaning of consecutive kya hota hai? Coming one after the other. Consecutive number, say 1, 2, 3. These three numbers are consecutive. 4, 3, 4, 5 are three consecutive numbers. Coming one after the other is what is the meaning of consecutive. So, ek question hai, numbers pe consecutive pe, three consecutive integers. It says three consecutive integers add up. 2, so two from 2.1, this is again a question from 2.1, add up to 51. You can try these questions again if they differ by 18. So you can solve these questions in your notebook. If they differ by, what is the difference? Add up to 51. I think I've written this statement of the same next question, sorry. Three consecutive integers add up to 51. उसके बाद क्या दिया हुआ है कि what are these integers? हमसे पूछा कि integers क्या हैं? Integers जानते हैं ना आपने, 6th standard में you have done integers. All the negative numbers and positive numbers including zero. Negative numbers मतलब ये minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 2. This group of such numbers, negative numbers, positive numbers and zero makes the integers.
तो यहाँ पे हमें क्या दिया, थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मतलब कमिंग वन आफ्टर द अदर एड अप टू 51, मतलब उनका सम कितना दिया 51, तो व्हाट आर दीज इंटीजर्स, सॉरी आपको इंटीजर्स निकालने हैं, तो लेट्स अज्यूम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. लेट्स अज्यूम द इंटीजर्स टू बी, लेट द रिक्वायर्ड इंटीजर्स बी, रिक्वायर्ड मतलब जो हमें फाइंड करने हैं वो इंटीजर्स कैसे लेंगे हम, क्या पैटर्न है, वो एक कंसेक्यूटिव है. तो अगर मैंने एक एक्स लिया उनमें से, अगला क्या होगा, उसके बाद क्या आएगा, एक्स प्लस वन, क्योंकि कंसेक्यूटिव बोला है तो नेक्स्ट क्या होगा, एक्स प्लस वन. उसके बाद क्या आएगा अगला, एक्स प्लस वन के बाद नेक्स्ट इंटीजर क्या आएगा, एक्स प्लस टू. कंसेक्यूटिव में यही होता है, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक. सो एक मैंने एक्स लिया, उसके बाद दूसरा इंटीजर क्या हुआ, एक्स प्लस वन, उसके बाद तीसरा क्या हुआ, एक्स प्लस टू. तो दे आर कमिंग वन आफ्टर द अदर, थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमने अज्यूम कर लिए, इनका सम क्या दिया है, दे एड अप टू 51. लेट्स यूज द इंफॉर्मेशन एंड इट्स वेरी सिंपल इक्वेशन. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, द सम x प्लस वन, इन तीनों का सम कितना दिया हुआ है, 51. तो इक्वेशन फॉर्म करना बहुत इजी था इस क्वेश्चन में. अब आप लाइक टर्म्स ऐड कर लीजिए, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, थ्री एक्स, वन प्लस टू, थ्री. पर ये इक्वेशन सॉल्व करना तो और भी इजी है, क्योंकि यहाँ पे कोई अपॉन में नहीं है, तो बहुत बच्चों को रैशनल नंबर्स सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है. इट्स नॉट डिफिकल्ट, विद इनफ प्रैक्टिस आप रैशनल नंबर्स भी अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे. तो यहाँ पर तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बिकॉज सारे होल नंबर्स में है. सो थ्री एक्स कोएफिशिएंट भी, थ्री को ले आते हैं राइट में, आपको पता है क्या करना है, थ्री का साइन रिवर्स हो जाएगा. थ्री एक्स इज इक्वल टू 51 माइनस थ्री कितना होता है, कैलकुलेशन कर लो. थ्री एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज 51, तो थ्री माइनस किया 48, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है. हाउ वुड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. मेनी पीपल आर, मैनी चिल्ड्रन आर कमिटिंग कमिटिंग द मिस्टेक और डूइंग द मिस्टेक इन आफ्टर दिस स्टेप. वो थ्री को रिमूव नहीं कर पा रहे. सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, आपको एक्स निकालना है ना, थ्री हटाने के लिए डिवाइड बाई थ्री करना है दोनों साइड. डिवाइड बाई थ्री करके दिखाइए मत लेफ्ट में, क्योंकि डिवाइड बाई थ्री आप मेंटली कर लीजिए, एक्स बच जाएगा बस. और राइट में क्या हो जाएगा, 48 डिवाइड बाई थ्री. या ऐसे भी कह सकते हैं, अगर लेफ्ट में थ्री टाइम्स एक्स है और थ्री को फिर हमने शिफ्ट किया राइट में, तो वो टाइम्स उसका जो ऑपरेशन है चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा. अगर लेफ्ट में 3x है इक्वल टू 48, तो ये 3 अगर जब साइन अपनी साइड चेंज करेगा 3 टाइम्स से, क्या हो जाएगा, 1/3, 48 का 1/3 हो जाएगा. सिंपल सी बात, कंसेप्ट ये है कि अगर 3x में से 3 रिमूव करना है ना, डिवाइड बाई 3 करना है. अभी दिखाने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाई 3 दिखाना है दिखाइए, नो प्रॉब्लम. x इज इक्वल टू 48 बाई 3 कितना हुआ, यू कैन डिवाइड 48 बाई 3, 3 के टेबल में 48, 16 3 48, सो इफ यू नो द टेबल वेल, द एक्स की वैल्यू 16 आई. दैट मीन्स रिक्वायर्ड इंटीजर्स में से एक पहला इंटीजर क्या है, 16, दूसरा क्या हुआ, 16 प्लस 1 17, थर्ड क्या हुआ, 16 प्लस 2 18. सो इन द एंड यू कैन राइट डाउन द रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर 16, 17 एंड 18. यू कैन चेक द सम इज कमिंग डेफिनेटली 51, 16 प्लस 17 33, 33 प्लस 18 इज 51. Okay, so answer is over. This question based on the numbers again. There are more questions based on the numbers. We'll be doing it in the next video.